Hi, hello everyone. This is Chakit from VSE Global Education. In this video, we are going to discuss about which all universities, which are colleges are there in Canada, which are offering you 100% application fee waiver. Wow, you don't have to spend anything to get your application done. So, बहुत सारे जो colleges हैं, looking at the current scenario, situation, they are struggling, right? Struggling because a lot of people have decided not to go to Canada. Now, how you as a student can take the benefit of this situation? The best way to benefit with this situation is save money. And how you can do that? Application fees is the first step when you start spending your money to get the admission. क्योंकि यहीं से आपकी सारी जो खर्चे की शुरुआत है वो यहीं से start होती है. पहली चीज है application fees. इस वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसे tips बताऊंगा जिसमें आप हर एक step पर अपने पैसे बचा सकते हो. इस वीडियो को अगर आप end तक देखोगे तो at least मैं आपको कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए आपके बचवा दूंगा पूरे प्रोसेस में. कैसे? आप वीडियो को देखते रहो, हर स्टेप पे कैसे कैसे अमाउंट आपके पास इकट्ठा होगा कि आप इवेंचुअली काफी सारे पैसे सेव कर पाओगे. पहली चीज है कि आपकी एप्लीकेशन फीस बच रही है. अब कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा दिलाएंगे वो भी उसके बारे में मैं बात करूंगा. बट उससे पहले आप ये देख लो कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जहां पर आपको एप्लीकेशन फीस वेवर मिल रहा है. तो पहले स्टार्ट होते हैं हम शेरिडन से, उसके बाद आते हैं हम्बर, सदर्न अल्बर्टा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, फेंशो कॉलेज, केपीयू, सेंट लॉरेंस कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ विक्टोरिया, नाइग्रा यूनिवर्सिटी, उसके बाद आते हैं एडलर, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा, देन यू हैव यूनिवर्सिटी ऑफ नाइग्रा फॉल्स, फ्लेमिंग, डरम कॉलेज, जीबीसी. किसी ने इमेजिन नहीं किया था कि हम्बर और जीबीसी 100% फी वेवर करने वाले हैं कभी भी अपने लाइफ टाइम में, क्योंकि वो इतने ज्यादा डिमांड में रहते हैं. उसके बाद आते हैं हम सिटी यूनिवर्सिटी, जॉर्जियन कॉलेज, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट. चलो ये यूनिवर्सिटी में मान लेता हूं जो हमेशा ही एप्लीकेशन फी वेवर पे होती है. बट इसके अलावा माउंट एलिसन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ विनिपेग, देन आईसीएम, एंड देन यू हैव लॉरियल विटफील्ड यूनिवर्सिटी. ये सारी यूनिवर्सिटी आपको 100% फी वेवर मिल दे रही है. तो लेट्स सपोज आप पहले कभी 3 भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते, 3 भी कॉलेज में अप्लाई करते जिनका एवरेज, इन सब यूनिवर्सिटीज का कॉलेजेस का एवरेज जो एप्लीकेशन फीस है वो $100 है, तो वो आपके $300 बच गए हैं. अप्रोक्सीमेटली 18,000 to 20,000 rupees आपने सेव कर. अब जो बच्चे फ्यूचर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और उन्होंने आईएलटीएस अभी नहीं दिया है और आप आईएलटीएस में पैसा बचाना चाहते हो, तो आप हमारे थ्रू कोचिंग ले सकते हो. तो दैट कैन बी अ गिफ्ट फ्रॉम माय एंड कि हम आपके, नॉर्मली आईएलटीएस की कोचिंग जो है 8,000 से 10,000 rupees के बीच में आती है, वो जो 8,000 से 10,000 rupees है वो मैं अपनी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री आपके सेव कर सकता हूँ. इफ यू विल अप्लाई विद अस, वी कैन हेल्प यू क्लियर द एग्जाम, वी विल गिव यू कोचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट इन्वॉल्व इन योर आईएलटीएस और पीटी क्लासेस, वो कॉस्ट मैं आपकी अपनी तरफ से बचा. नाउ कमिंग टू दी ट्यूशन फीस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ट्यूशन फीस में भाई साहब कैसे पैसे बचेंगे. देखो मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जितने भी कंसल्टेंट हैं दे ट्राई एंड मेक यू पे द फी थ्रू देम, कि आप उनको पे करो एंड देन दे विल पे द यूनिवर्सिटी और द कॉलेज. बट इसमें कैच है, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड फ्लाईवायर. अगर आप डायरेक्टली पेमेंट करते हो फ्लाईवायर को, तो देन द मनी कम्स आउट फ्रॉम योर अकाउंट, फ्लो टू फ्लाईवायर, एंड द फ्लाईवायर पे टू द यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेज. इस पूरे प्रोसेस में अगर आपकी $20,000 फीस है तो आपके लगभग लगभग यहाँ पे बच जाएंगे कम से कम ₹20,000. तो अभी तक हमने ₹20,000 बचाए थे एप्लीकेशन में, ₹10,000 बचाए कोचिंग में, एंड नाउ आई विल हेल्प यू सेव अनदर ₹20,000 अप्रॉक्स इफ यू विल मेक द पेमेंट थ्रू फ्लाईवायर. तो वहां से आपके अगेन ₹20,000 के आसपास बच जाएंगे. तो अब हमारे पास हो गए हैं ₹50,000. अब इसके बाद आते हैं हम आपकी GIC में. GIC की जो फीस है वो पिछले साल से डबल हो गई थी. अब GIC की जब फीस डबल हुई, अब ये ऐसा तो नहीं है कि GIC का पैसा जो है वो किसी और की पॉकेट में जा रहा है, वो रहता आप ही के पास है. बट क्योंकि आपको लमसम एक साथ इतना सारा पे करना पड़ता है, तो देन इट बिकम्स अ ट्रबल. सो इस केस में क्या कर सकते हो, आप अपना अकाउंट खोलो ICICI कनाडा में. तो उसमें आपको एडवांटेज क्या मिलता है कि जैसे ही आप कनाडा लैंड करोगे आपको $8,000 जो है वो वापस मिल जाते हैं स्ट्रेट अवे. तो दैट इज अ बिग बिग रिलीफ कि आपके 8,000 वापस आ गए. अगर आपने वो इंडिया से किसी से बोरो करके भी लिए थे तो वो भी आप वापस तुरंत आप पे कर सकते हो. इस प्रोसेस में भी अगेन यू मेक द पेमेंट थ्रू द फ्लाईवायर, तो वहां से आप फिर से 20,000 के आसपास बचा सकते हो और जो 8,000 आपने ऑलरेडी लिया है वो भी आपका बच जाएगा. तो इस पूरे प्रोसेस में आपके अभी काफी सारे पैसे बच गए हैं. और जो सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो आपसे प्रोसेसिंग फीस चार्ज कर लेते हैं. इट कैन बी फ्रॉम एनी अमाउंट, फ्रॉम 25,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000. हम आपसे कोई फीस नहीं लेते हैं. तो आप पूरे के पूरे प्रोसेस में आप सारी की सारी फीस बचा सकते हो, क्योंकि हम पूरा आपको प्रोसेस जो है वो कंप्लीटली फ्री में करके देंगे. आपकी ट्यूशन फीस पे भी पैसा बचवाएंगे, आपकी एप्लीकेशन फीस पे भी पैसा बचवाएंगे, SOP भी हम लिख के देंगे, आपके फ्लाईवायर से भी पैसा बचवाएंगे. तो हर तरीके
तरीके से हम आपकी सेविंग कराएंगे। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कनाडा के लिए और आप श्योर हो कि आप कनाडा जाना ही जाना चाहते हो, तो नाउ इज द टाइम वेयर एवरीथिंग इज गेटिंग ऑन डिस्काउंट, देन व्हाई डोंट यू मेक एन एफर्ट दैट यू स्टार्ट योर प्रोसेस विद द राइट पीपल सो दैट दे कैन हेल्प यू आउट, मेक श्योर कि आपका पैसा भी बचे, आपको वीजा भी आए और आपका काम भी हो जाए। तो इस प्रोसेस में काफी ज्यादा पैसे खर्च होते हैं हर स्टेप पे। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको बैकलॉग की प्रॉब्लम है, जिनको लो आइल स्कोर है और वो दोबारा रीटेक देना चाहते हैं, या फिर आपके परसेंटेज का इशू है, या आपको पूरा प्रोसेस जानना है कि किस तरीके से होगा, और इफ यू हैव गैप, यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ thing which is restricting you to enter Canada, so why don't you just consult with us once so that we can understand your profile and give you a tailor-made solution ki aap kis tarike se make sure kar paoge ki aapke kam se kam paise kharcho aur aapko maximum se maximum output mil sake. So we have waived off any sort of processing fees which will hinder you to reach Canada, so we can help you out with the entire process without any cost. All the cost which will be paid to us will be waived off, no processing fees. Only thing what you need to do is that you take your process seriously and make sure that you are serious about studying. You should go for a master's course which can make you eligible for post study work visa. You should go for a bachelor's course which will make you eligible for post study work visa. All the STEM courses which are science, technology, engineering and mathematics, they all are in the skill shortage list. So students who are planning to go to Canada, they should only focus on the skills which are in demand. Management course, the only management course which is in demand in Canada is supply chain management or IT project management. Apart from that, all the programs which are in demand either are in healthcare or in the trade courses or engineering or mathematics or healthcare. So inhi sabke aas paas agar aap course choose karoge tabhi aap wahan par achhi job le paoge, jab hi aapko post study visa milega. So is pure process mein jo jo lagega usme hum aapki help karenge to navigate any of the challenges which you might be facing. So you have to focus on your studies and we will help you and your parents save money in the entire process. If you have liked this video, hit the like button, share it with your friends and family who also want to save the money. We are based in Noida. We can help you out with the entire process and there's a link given in the description. Click that link, get in touch with us and we'll be more than happy to help you with the entire process. Thank you for watching this video. If you have liked this, hit the like button, share it with your friends and family and subscribe to VAC. We shall see you in our next video. Till then, you guys take care of yourself. Bye-bye.